नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए अधूरी हवस का 18वां एपिसोड लेकर आई हूँ। तो कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। गुस्सा आने की वजह से राज अपना फोन को दीवार पर फेंक मारता है और फोन टूट जाता है। उधर मिताली राज को बार बार फोन ही बंद आने की वजह से परेशानी से अपना आपा खो देती है। आकाश को बोलकर राज से बात करवाने को कहती है। आकाश राज के घर दोनों जगह जाके पता करता है। वो पता चलता है वो तो शहर से बाहर गया हुआ है। मिताली ने अपने सभी तरीके से समझाने के बावजूद भी राज मिताली की एक भी बात नहीं मानी। ये बात ने मिताली को हिला के रख दिया था। पूरी समाज व्यवस्था के विरुद्ध जाकर वो राज के साथ चलने को भी तैयार थी, पर राज ने एक भी नहीं सुनी। इस बात का मिताली के दिल पर गहरा असर हुआ। राज पर जो उसे भरोसा दिखा था वो टूटता हुआ लगा। उसे जहां से नफरत सी होने लगी, उसकी सांसें तेज होने लगी, जैसे लगता है कि उसे कि कोई उसके गले में फंदा डालकर बैठा है। बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती है, पर नींद गायब है। आंखों के आगे छाया वो अंधेरा उसे डराता है। वो बिस्तर से उठकर अपने रूम के ड्रॉवर में से नींद की गोली लेती है। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। हार कर पूरी की पूरी गोलियों की बोतल खाली कर देती है। 2 घंटे बाद उसकी माँ उसके कमरे में उसे देखने जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिताली बेहोश हालत में उसके मुंह से झाग निकल आए थे, ये देखकर चीख निकल जाती है उसकी माँ की। तुरंत उसका भाई वहाँ आता है और पड़ोसी भी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ आते हैं। सब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तब तक में उसकी सहेली कविता को भी मालूम हो जाता है। वो भी डर के मारे आकाश को सब हकीकत बता देती है। दोनों ऊपर वाले को दुआ करते हैं मिताली को कुछ न हो। आकाश ने बताया कि राज आउट ऑफ टाउन है और उसका कॉल भी नहीं लगता। मिताली से मेरी बात हुई थी, दिनों में फिर से कोई बड़ा पंगा हुआ है, तब से राज का भी कॉल नहीं लगता। मुझे भी उसे लेके बड़ा टेंशन हो रहा है। दुआ करेंगे दोनों सही सलामत रहे दोनों को। कल तक पता नहीं चलेगा वो कल लौट कर आने वाला है, पर तुम मिताली की सारी खबर मुझे बताते रहना, ठीक है? कह के वह कविता कॉल काट देती है। उधर मिताली के ससुराल वालों को पता चला तो उसका मंगेतर भी रात को ही अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर ने सारी गोलियां निकाल तो दी थी, पर डोज ज्यादा हो जाने की वजह से बेहोश हो गई थी और 24 घंटे आईसीयू में रखने को कहा है। ये सारी बातें दूसरे दिन कविता ने आकाश को बता दी और साथ में राज से बात हो तो बता देना यह भी कहा था। हादसा होने के दूसरे दिन राज अपने घर जाता है, तभी उसकी माँ उसे आकाश से मिलने को कहती है। कई बार वो घर आ गए। राज फ्रेश होकर आकाश के घर जाता है, आवाज देके उसे बुलाता है। आकाश तुरंत नीचे आता है और गुस्से से उसके ऊपर चिल्ला देता है। आकाश बोलता है, अभी किधर मर गया था तू? तेरा फोन क्यों बंद है? राज बोलता है, अरे यार शांत हो जा, मैं सब बताता हूँ, गुस्सा मत हो यार। आकाश बोलता है, आज तो तू गया काम से। राज, मामला गंभीर है, अपने फोन
बंद होने के कारण ये भाप लेता है। राज बोलता है, तो बैठ, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। राज उसे लेके आकाश के घर से थोड़े ही दूर एक बार में बैठ कर जाता है। राज बोलता है, आज अंगूर की बेटी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आकाश कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। राज बोलता है, लगता है यार मामला कुछ ज़्यादा उलझा हुआ है, वरना तुम्हारे मुंह से तलब की बात ना होती। दोनों बार के जाके अपनी जगह ढूंढकर ऑर्डर करते हैं। आकाश बोलता है, तेरा फोन कहाँ है? राज कहता है, अरे कल मिताली से झगड़ा हुआ था और उसने जो बातें कही तो दिमाग फट गया और मैंने अपना दीवार पर मार दिया फोन और वो टूट गया। आकाश बोलता है, तो दूसरे के फोन से तो कॉल कर सकता था ना? राज बोलता है, अबे मुझे कहाँ किसी के नंबर याद रहते हैं, और दिमाग खराब होने के कारण होटल पर जाके 3 बार पैग लगा कर सो गया था। आकाश बोलता है, ये सही है, इधर हमारी फटी पड़ी थी और तुम टुल होके पड़े थे। राज बोलता है, दिमाग ही खराब कर जो दिया था मिताली ने कल, पर तेरी क्यों फटी पड़ी थी? आकाश सारी बातें हकीकत बता देता है और कविता से बात करने को कहता है। आकाश कॉल लगाकर राज को देता है। राज कहता है, हेलो। कविता कहती है, अरे आप कहाँ थे, आपको कुछ पता भी है क्या हुआ? राज बोलता है, तुम शांत हो जाओ, मिताली कैसी है अभी? कविता कहती है, अभी देर रात को पता चलेगा वो खतरे से बाहर है या फिर रोने लगती है। राज बोलता है, अरे उसे कुछ नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ, ऐसे रोते वो नहीं। तुम मिताली से बात हो सकती है तो बात कराओ मेरी। कविता कहती है, किसी को मिलने की भी इजाज़त नहीं, बात करने की तो दूर की बात है। राज बोलता है, तो कब हो सकती बात? कविता कहती है, कल सवेरे अस्पताल जाके पता चलेगा। राज कहता है, ठीक है, जब तुम भी जाओ मेरी बात उससे करवाना। कविता कहती है, ठीक है। राज कॉल काट देता है और बहुत ही मायूस हो जाता है। राज कहता है, आकाश मुझे डर था, आखिर वही हुआ। आकाश कहता है, क्यों तुम्हें पता था? राज कहता है, नहीं यार, मुझे यह ही डर कई दिनों से खाए जा रहा था। फिर राज वो सारी बातें बताता है जो मिताली ने राज से कही, वो हर एक शब्द। आकाश कहता है, भाई ये तो बहुत ही सीरियस मामला हो गया है। राज कहता है, हाँ अब ज़्यादा हो गया है। आकाश कहता है, तो फिर मिताली के होश में आते ही सब पूछेंगे कि क्यों ये कदम उठाया, तो वो क्या कहेगी? राज कहता है, वही तो, उसके परिवार या और कोई बात करे उससे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी। आकाश कहता है, कविता कॉल करेगी तब होगा, या मिताली का फोन चालू हो तो, या उसके भाई से बात करें क्या? राज कहता है, नहीं बे, अभी हमें उसे कॉल नहीं करना चाहिए, मिताली से बात होने के बाद सब बात होगी। राज कहता है, राज आकाश को एक बात बताता है और उसी तरह से करने को कहता है। फिर दोनों अपने ग्लास खत्म करके घर की ओर निकल जाते हैं। नशा होने की वजह से राज गहरी नींद में सो जाता है, जैसे वैसे भी सफ़र कर लौटा था। राज सीधा दोपहर को उठता है। रात को दारू कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, जो उसे भी नहीं पता था। कुछ पैग पीने के बाद क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें हुई, होश में था तब तक की बातें तो उसे याद थी, बाद में ये भी उसे पता नहीं था। आकाश उसे छोड़ने घर आया था। रेडी होके मार्केट में जाके पहले नया फोन लेता है और आकाश को कॉल लग करता है। राज कहता है, अरे कल रात को क्या ज़्यादा हो गई थी? आकाश कहता है, हाँ तो तुझे छोड़ने मुझे आना पड़ा। अच्छा तूने मिताली से बात की या नहीं? राज कहता है, नहीं, अभी तुझे ही कॉल किया है, सबसे बात करता हूँ। राज कहता है, नहीं अभी तुझे ही कॉल किया है, उससे बात अभी करता हूँ। आकाश कहता है, मैंने कॉल किया था पर
उसने रिसीव ही नहीं किया। तुम करो तो रिसीव करे। वैसे तो कविता से बात हो गई थी मेरी, वो अब खतरे से बाहर है। राज कहता है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है, वो सलामत है। हाँ चल, मैं मिताली से बात करता हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। राज मिताली को कॉल करता है पर मिताली का फोन बंद ही आ रहा होता है। फिर कविता को कॉल करता है। कविता उसे बताती है कि मिताली ठीक है और मिताली आपसे जैसे ही वक्त मिलेगा तब आपसे बात करेगी। अभी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और बात भी कम करने को कहा है और उसका मंगेतर भी साथ है। जैसे ही वो फ्री हो जाए वो आपसे बात करेगी। कविता सारी बातें उससे बता देती है। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी आपको हमारी कैसी लगती है एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अधूरी हवस के 19वें एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।